الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جو امام حضرات ہیں وہ یہاں جاؤ اوپر لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم كبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा तुझे उस कौम ने पाला है आवोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा गर्द में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे जहां बानो जहां गिरो जहां दारो जहां आरा अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नजारा गवाही हमने जो अखलाक से मीरास पाई थी सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि वो कि तू मुख्तार वो किरदार तू साबित वो सही आ محترم حضرات میں نے اپنی گفتگو کی شروعات شاعر مشرق علامہ اقبال کے چند اشعار سے کی ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیتیں تلاوت کی اور ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی आपके शहर की राना में मुख्तलिफ मसाजिद और मुख्तलिफ मौकों पर मेरा आना जाना रहा और आज अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने घर में हमें और आपको जमा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत यही है कि हम सब के सब अपनी जिंदगी का मुहासबा करें
कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं और कर क्या रहे हैं। मुझे आपके सामने सिर्फ तीन बातें रखनी है। पहली बात ये कि आप कभी कभी गौर किया करें, सोचा करें, पढ़ा करें, तारीख देखा करें कि हमारा कल क्या था, आज हम क्या हैं और कल क्या होने जा रहा है। जमाने भी तीन हैं, एक गुजरा हुआ कल, एक मौजूदा जमाना और एक आइंदा जमाना। कल हम क्या थे और आज हमारी हैसियत क्या है, और अगर हमने आज भी अपने आप को नहीं बदला, अगर हमने आज भी होश के नाखून नहीं लिए और वो गफलत की चादर जो हम तान कर बैठे हुए हैं और वो नींद जो हम सो चुके हैं अगर हमने आज भी बेदारी नहीं पाई, तो हमारा आने वाला कल और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कितना खौफनाक, कितना वहशतनाक और कितना दर्दनाक होगा, इसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे कांधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने के बाद अब हम पर कितना जबरदस्त फरीजा आ चुका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार के बाद हमें क्या क्या करना है हमें इसका एहसास तक नहीं है। हमने अपना कल अगर हम खंगाल कर देखें तो यही धरती, यही सरजमीन जिसे तारीख हिंद के नाम से जानती है, जिसे आज के लोग बड़े सगीर कहते हैं, 800 साल तक यहां आप हुक्मरान की हैसियत में थे, 800 साल तक आप यहां कुरान करीम से वाबस्ता थे, 800 साल तक यहां की मजलूम कौमों को आप इंसाफ देते रहे, 800 साल तक यहां आप इल्म के चिराग रोशन करते रहे, किताबुल्लाह की तिलावत करते रहे, किसी मजलूम की आंख में आंसू आया तो वह आपकी चौखट पर आया फरियाद लेकर, और आप इस पोजीशन में थे, आप इस कुव्वत में थे, आप इस ताकत में थे कि आपके पास फैसला करने वाले जज थे, आपके पास कोड़े लगाने वाले जल्लाद मौजूद थे, आपके पास कुरान करीम के मुताबिक फैसला करने वाली अदालतें मौजूद थी। सारी दुनिया की कौमों की नजरें आप पर टिकी थी। किसी शायर ने सच कहा, दुनिया से भीख मांग रहे हैं वो अदल की, कल तक जो लोग दुनिया के करते थे फैसले। दुनिया से भीख मांग रहे हैं वो अदल की, कल तक जो लोग दुनिया के करते थे फैसले, मैं कर रहा हूं आज वही कारवां तलाश, हाशिम जिसे दिए हैं समंदर में रास्ते। ये इतनी बड़ी तब्दीली और इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। जो हुक्मरान थे वो गुलाम बन गए, वो कौमें जो रोती हुई आपके कदमों में अपना दामन फैला कर आती थी, कोई अपनी बेटी की हिफाजत के लिए आपके दरवाजों पे दस्तक देता था, कोई अपनी जमीन किसी जालिम से छुड़ाने के लिए आपके हुक्मरानों के पास आता था, कोई मकतूल का वारिस कासिम से बदला लेने के लिए आपके सामने फरियाद रखता था, और आपका आजीम दीन, आपका काजी वक्त आपकी अदालत में बैठा हुआ कुरान और सुन्नत का जानने वाला कुरान उसके सामने रखा होता था, वो कुरान खोलता था और वो कासिम से कहता था, वो कातिल कासिम से कहता था कि मेरे सामने अल्लाह तबारक व तआला की किताब रखी हुई है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल الحر بالحر والعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له
من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. اے قاتل سن لے, میں مجبور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سامنے, اگر جس کا تو نے قتل کیا ہے اس کے وارث اگر تجھے معاف کرنا چاہیں گے تو یہ اختیار قرآن کریم نے ان کو دیا ہے. فمن رضی اللہ فمن رضی اللہ من اخیہ شیء, یہ مجھے اختیار نہیں ہے, یہ حکمران وقت کو اختیار نہیں ہے کہ میں تجھے معاف کر سکوں, میں تجھے 10 سال کی سزا سنا سکوں یا میں تجھے عمر قید دے سکوں. میرے سامنے تو مقتول کے وارث ہے, اگر وہ معاف کریں گے تو تیرا خون معاف ہو جائے گا, اگر وہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے تو ہم تجھ سے راضی ہو جائیں گے, اگر وہ اپنے بھائی کے بدلے میں اونٹوں کی دیت لینا چاہیں گے تو تجھے دیت دینا ہوگی, اگر وہ درہم لینا چاہیں گے تو تجھے درہم دینا ہوں گے, اور اگر تجھ سے وہ دینار کا مطالبہ کریں گے تو تجھے دینار دینے پڑیں گے, اور اگر وہ اپنے مقتول کے بدلے میں تیرا سر چاہیں گے تو ہم تیرا سر اتاریں گے. اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے, کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد, آزاد کے بدلے میں آزاد, غلام کے بدلے میں غلام, بل انسا بل انسا, عورت کے بدلے میں عورت. کسی کو اختیار نہیں ہے سفارش کا, کسی کو حق نہیں ہے اس قتل کو معاف کر دینے کا. یہ کون کہتا تھا 800 سال تک یہاں قرآن صرف طاقتوں کی زینت نہیں تھا, صرف مدارس کی 4 دیواری میں بند نہیں تھا, صرف مسجد کے حجروں میں قید نہیں تھا, صرف خانقاہوں کی باؤنڈریوں میں بند نہیں تھا, بلکہ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک, دلی سے لے کر کے کلکتہ تک, اور پاکستان سے لے کر کے افغانستان تک قرآن کریم کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا. اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص جو مسلمان ہو کر قرآن سے فیصلہ نہیں کرائے گا, اس کا قرآن سے رشتہ کیا ہے, اس کا قرآن سے تعلق کیا ہے, اس کا قرآن پر ایمان کیا ہے. یہاں تک کہ ہم دوسری قوموں کو امن, انصاف اور عدل بانٹتے تھے. لیکن آج بتاؤ کیا ہے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, آخر کیا وجہ تھی کہ ہمارا ماضی اتنا تابناک تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا اور آج پھر سنا رہا ہوں, اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم آج اپنے نوجوان کو اس کا ماضی سنا رہی ہے. نظر اٹھا کر دیکھو پوری دنیا کے عیسائی پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح, مجروحوں کی طرح, بابلے کتوں کی طرح بوکھلائے پھر رہے ہیں کہ روئے زمین پر اسلامی شریعت نافذ نہ ہو جائے. میٹنگ چل رہی ہے آج بھی امریکہ میں, اقوام متحدہ کے جھنڈے کے تحت ساری دنیا کے حکمرانوں کو بلایا ہوا ہے, ایک ہی ایجنڈا ہے, ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی چیز پر نظر ہے کہ روئے زمین پر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ ہو جائے, روئے زمین پر انہیں قوت نہ مل جائے, انہیں طاقت نہ مل جائے جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے. لا میثاق ولا دستور, قال اللہ وقال رسول, ہم کوئی قانون نہیں مانتے, ہم کوئی اصول نہیں مانتے, ہم ہر دستور کی دھجیاں اڑا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ہمارے سامنے 1450 پہلے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے اور جو محمد رسول اللہ کی سنت ہے, وہی ہمارا قانون ہے, وہی دستور ہے, وہی آئین ہے. ایک طرف عیسائی دنیا کا یہ عالم اور ایک طرف ہماری قدرتوں کا یہ عالم, ممبر خاموش, محراب ساکت, کہیں کوئی فکر نہیں, کسی آنکھ میں آنسو نہیں, کسی کا دل دھڑکتا نہیں, پلکیں ہیں گیلی ہونے کا نام نہیں لیتی, آنکھیں ہیں رونے سے انکار کر چکی ہیں, دل ہے کہ روکنے کی اجازت نہیں دیتا,
एक तरफ सारी दुनिया फिर इज्तिमा कर रही है, फिर मुत्तहिद हो रही है, फिर जमा हो रही है, चारों तरफ निशाना आप, आपके सिवा कोई और नहीं, चारों तरफ आप दुनिया पर इस वक्त नजर डालने। एक हाल ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया पर ऐसा अमन कायम किया था कि जिसकी बात आपने अपने सहाबा से की थी और मक्के और मदीने वालों से कही थी। जब रसूलुल्लाह से पूछा लोगों ने कि हम ईमान ले आए तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस्लाम में दाखिल हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और इस्लाम जब ताकत और कुव्वत में आएंगे तो सुनो। सनाए यमन से एक औरत अपने ऊंट पे सवार होकर चलेगी और कोई उसके साथ मुहाफिज नहीं होगा, अकेली तन्हाएगी, न आंख उसे बदनजरी से देख सकेगी, न कोई हाथ बुराई की तरफ बुराई के साथ उसके तरफ बढ़ सकेगा, न कोई उसका आंचल छू सकेगा, न कोई उसका दुपट्टा तार तार कर सकेगा, न कोई उसे बस जबान बोल सकेगा। और तन्हा आएगी यहां तक कि खाने काबा पहुंचेगी, बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, रास्ते अमन से भर दिए जाएंगे, रास्ते खतरों से साफ कर दिए जाएंगे, कोई डाकू नाम की चीज नहीं होगी, चोर कहीं नजर नहीं आएगा, कातिलों को लगाम लगा दी जाएगी, यहां तक कि कमजोर तरीन औरत भी अपना तवाफ करके वापस चली जाए। क्या मतलब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के चाहने वाले कुव्वत और ताकत में आएंगे तो जमीन खतरों से खत्म हो जाएगी। एक और जात तनहा निकल कर आएगी और कोई उसे लूटने वाला तक नहीं होगा, कोई उसकी तरफ बदनजरी से देखने वाला तक नहीं होगा। हम जमीन के चप्पे चप्पे को अमन से भर देंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दुनिया का क्या हाल था, क्या खबोखारत गली थी, चार महीने उनकी तलवारें सिर्फ नियाम में रहती थी और आठ महीने तक वो कत्लेआम करते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल मेहनत के अंदर, 13 साल मक्के के और 10 साल मदीने का एक ऐसा लश्कर तैयार कर दिया जो 1.25 लाख सहाबा इकराम का लश्कर था, जिसने कुरान करीम को अपने सामने रखा और उस कौम को कि जिसके यहां कत्ल के बाद कस्में खाई जाती थी, अपने जिस्म अपने उंगलियां काटकर वो खून में डुबोते थे और कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा करते थे। अगर बाप मर जाता था तो अपने बेटों को वसीयत करके जाता था कि मेरी रूह तुम्हें पुकारती रहेगी जब तक तुम अपने कातिलों से बदला न ले लो। 100-100 साल तक जंगे होती रहती थी, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम और सहाबा इकराम थे जो कुरान को आगे अपने हाथों में लेकर चले। अरब की उस कौम को उन्होंने अमन का पैगंबर बना दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, दुर्बचारी ने तेरी कसरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अगर उस जमाने में दुनिया के किसी किनारे पर किसी के साथ जुल्म और सितम होता तो सिर्फ एक ही ताकत नजर आती थी, वो एक ही कुव्वत थी, वो एक ही घर था, वो एक ही किला था, वो एक ही जमात थी, वो एक ही दीवार था, और वो था मुसलमानों का। यहां तक कि ईसाइयों ने झोलियां मुसलमानों के सामने आकर फहरा दी और कहा कि हमें इंसाफ दिला दो, हम तुम्हारे कदमों में अपनी टोपियां रखते हैं। इस हिंदुस्तान में भी मुसलमान हिंदुस्तान को लूटने के लिए नहीं आए, यहां डाका डालने के लिए नहीं आए, यहां का सोना चुराने के लिए नहीं आए,
تاریخ میں غلط پاٹ مت پڑھاؤ مسلمانوں کے پاس الحمدللہ کل بھی اتنا سونا تھا جتنا کسی کے پاس نہیں مسلم قوم سونا چرانے کے لیے کیا آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب مسلمانوں کو دیا ہے اور سرزمین عرب خالی ہاتھ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے پاس آج بھی سونے کے پہاڑ اور سونے کی کانیں ہیں یہ چرانے آئیں گے یہ ڈاکہ ڈالنے آئیں گے جن کے پاس سونے کے پہاڑ ہو جن کے پاس آج بھی افریقہ میں سونے کی کانیں ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر تحفے کے طور پر دیا انہیں بھوکا ننگا نہیں رکھا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب عطا فرمائی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا محتاج نہیں بنایا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری شریعت عطا فرمائی انہیں سب کچھ عطا فرما دیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام جیسا ہدیہ اور تحفہ نصیب فرمایا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا محتاج نہیں رکھا مسلمانوں دنیا کی دوسری قومیں ہیں جو ڈاکہ ڈال رہی ہیں مسلمانوں کے مالوں پر اور افسوس یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے پہرے دار تھے وہ پہرے دار نہیں رہے بلکہ انہوں نے ڈاکوؤں سے ساتھ بات آج بھی پوری دنیا پر مسلمانوں نظر اٹھا کر دیکھو تکرار بھی کوئی کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے پیٹرول کس کے یہاں پانی سے سستا ہے پیٹرول ساری دنیا کی لائٹیں مشینیں بجلیاں کار گاڑی ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز جنگی جہاز پانی کے جہاز اگر کسی کے پیٹرول سے چل رہے ہیں تو مسلمانوں کے پہاڑوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جہاں پانی کا واٹر لیول تو دنیا میں کم ہوتا ہے لیکن ابھی تیل کا واٹر لیول کم نہیں ہو رہا ہے لیکن افسوس پر افسوس یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے اتحاد کیا اور سن 1945 میں ان ڈاکوؤں نے تنظیم بنائی ان چوروں نے تنظیم بنائی اس تنظیم کا نام اقوام متحدہ رکھا اور اس تنظیم کے تحت یہ ساری دنیا کے چور اور ڈاکو مسلمانوں کے خزانوں کو روزانہ لوٹ کر لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو وہ نعمت عطا فرمائی جو دنیا کی قوموں کے پاس نہیں ہے تو وہ ڈاکو کیوں بنے یہ غلط پاٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان سونا چرانے کے لیے آئے یا ڈاکو ڈالنے کے لیے ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے نہیں ہندوستان میں مسلمان آئے انصاف دلانے کے لیے پچھڑی قوموں کو راہ حق دکھانے کے لیے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اور یہ ان کا مذہبی اور دینی فریضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا دنیا کی ہر قوم سمجھوتا کر سکتی ہے دنیا کی ہر قوم ہتھیار ڈال سکتی ہے دنیا کی ہر قوم ظالم سے ہاتھ ملا سکتی ہے لیکن روئے زمین پر سچے مسلمانوں کا گروہ ہمیشہ سے باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا جو کبھی باطل سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جو کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے بلکہ ظالم کو ظالم کہہ کر قاتل کو قاتل کہہ کر رات کو رات کہہ کر اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے پہلی صدی ہو یا 11ویں صدی ہو 19ویں صدی ہو یا آج کی 21ویں صدی ہو یہ گروہ یہ جماعت محمد رسول اللہ کی کل بھی تھی اور قیامت تک رہے گی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور پکار پکار کر کہا ہے لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی میری امت میں سے ایک گروہ ایسا رہے گا میری امت میں سے ایک لشکر ایسا رہے گا جسے نہ سونے کے سکے خرید سکیں گے جسے ہائیڈروجن بم اور نائٹروجن بم ڈرا نہیں سکیں گے جسے قید و بند کی زندگیاں اس کے حوصلے توڑ نہیں سکے گی ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پیروں کی
بیڑیاں ان کے سینے کے ایمان اور حق کو تباہ نہیں سکیں گی. وہ ہمیشہ حق کے لیے باطل سے نمر آزما رہیں گے, مقابلہ کرتے رہیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا یضرهم من خالفهم, ان کے مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جماعت ہمیشہ پائی جائے گی, اس جماعت سے زمین خالی نہیں رہے گی, ہمیشہ پائی جاتی رہے گی. اور یہ بھی فرما دیا لا یضرهم من خالفهم, ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. سن 1095 میں جب 11ویں صدی آئی, 1095 میں عیسائیوں کا ایک پاپ اکٹھا ہوا اور اس نے پوری عیسائی دنیا میں آگ لگا دی. اور آگ لگا کر یہ کہا کہ یہ وقت ہے مسلمانوں کے خاتمے کا, یہ وقت ہے بیت المقدس اور یروشلم کو چھین لینے کا. وہ دور تھا عیسائیوں کے پادری اپنی سوموں سے خانقاہوں سے باہر نکل آئے, ان کے بادشاہ باہر نکل آئے, ان کے جرنیل باہر نکل آئے. اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان حکمران آج کے حکمرانوں کی طرح شراب کے عادی ہو گئے تھے, عورتوں کی ظلم کے غلام ہو گئے تھے اور حسن کے پابند ہو گئے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں, مسلمان بکھرے ہوئے ہیں, اب مسلمانوں کو کوئی چوڑ نہیں سکتا ہے. ان کے حکمران ہماری بیٹیوں کی زلفوں کے قیدی بن چکے ہیں, ان کے حکمران ہماری عورتوں کے حسن کے دیوانے بن چکے ہیں, ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں اور ان کے پیروں میں مہندیاں لگی ہوئی ہیں. یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. 1095 میں بگل بجایا گیا اور 1099 میں اعلان کر دیا انہوں نے کہ اب یہ صلیبی جنگوں کی شروعات ہے. صلیب کہتے ہیں عیسائیوں کے نشان کو, لہذا یہ صلیبی جنگوں کی شروعات ہے. انہیں سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ مسلمان دن دو دن کے مہمان ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہوا. اللہ رب العزت نے اس زمانے میں سلطان نور الدین زنگی کو کھڑا کر دیا, اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار عطا فرما دیا, جنہوں نے عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے. مرکہ ہتین لڑا اور 1187 میں جو عیسائیوں نے بیت المقدس کو چھین لیا تھا اور مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا تھا, مسلمانوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, جب عیسائی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئی ہیں, جب وہ مسجد اقصا میں داخل ہوئے ہیں تو اتنا قتل کر کے داخل ہوئے تھے کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں مسلمانوں کے نہائے ہوئے تھے. لیکن اس ظلم و ستم کے بعد بھی اسلام نے جو انگڑائی لی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں اور 90 سال کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرا کر اور عیسائیوں کو شکست دے کر بتایا کہ مسلمان زندہ قوم ہے, زندہ رہنے کے لیے آیا ہے اور اسے کوئی میدانوں میں پچھاڑ نہیں سکتا. لا یضرهم من خالفهم, بار بار اس حدیث کو پڑھتے جائیے, ان کے دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. ظاہرین علی من نواهم, یہ جماعت آپ کو فتح مندی سے ہم کنار ہوتی نظر آئے گی, یہ جیتتی نظر آئے گی, یہ شکست نہیں کھائے گی, کب تک قائم رہے گی, یہاں تک کہ اس طائفہ کہتے ہیں عربی میں جماعت کو, یہ جماعت منصور ہوگی, اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی. یہاں تک کہ یہ جماعت جب دجال نکل آئے گا, جس کے پاس بانی برسانے کی قوت ہوگی اور جس کے پاس درختوں کو سکھانے کی قوت ہوگی اور جو جسے چاہے گا مار ڈالے گا, مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہوگی, جس کے نام سے پوری دنیا تھرلا رہی ہوگی, لیکن یہ جماعت وہ ہوگی جو دجال کے لشکر کو چیلنج کرے گی اور اس سے بھی مقابلہ آ رہی ہے. یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان ڈاٹا نہیں ڈالتے, ظالموں میں تو پتہ نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں ڈاکو کی سزا کیا ہے.
तुम्हें पता नहीं है डाकू की सजा क्या है? डाकू की सजा सूली पर चढ़ा देना है, जमानत नहीं है। अगर डाका करने वाला कत्ल कर दे तो फिर उसे एक हाथ से पैर काट के उसे सूली पर लटका दिया जाए। मुसलमानों के हैं ये सजा है। लेकिन दुनिया के जब सारे डाकू इकट्ठे हुए 1945 में और इन डाकुओं ने एक तंजीम बनाई जिस तंजीम का नाम है यूएनओ, जिस तंजीम का नाम है अक़वामे मुत्तहिदा, जिसका इजलास इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, जिसके साए में बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान भी जमा है, जिन्होंने उसे अपना आशा माना हुआ है, जिसके सामने उन्होंने सजदा कर लिया है, जिसके सामने उन्होंने अपनी जमीन और अपनी पेशानी को झुका दिया है और उसके कानून को तस्लीम कर लिया है, उसकी खींची हुई लाइनों को अपना मुल्क बना लिया है, उसके बनाए हुए बॉर्डरों को अपना स्टेट बना लिया है, ये सबके सब वो है जो इकट्ठे हुए और ये सारे डाकू ये चाहते हैं कि मुसलमानों की अमानतें मुसलमानों तक न पहुंच जाएं, मुसलमानों का तेल मुसलमानों को न मिल जाए, मुसलमानों का गैस मुसलमानों को न मिल जाए, मुसलमानों का सोना मुसलमानों को न मिल जाए, मुसलमानों की ज़कात मुसलमानों को न मिल जाए। इसलिए सारे के सारे सन 1945 से आज तक इकट्ठे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम ने ऐलान कर दिया है तिलकल अय्यामु नुदाबिलुहा बैनन्नास, हम दिनों को उलटते पलटते रहते हैं, कभी रात बड़ी है तो दिन छोटा है और कभी दिन छोटा है तो रात बड़ी है, कभी गर्मी का राज है तो कभी सर्दी को उरूज है, तो कभी मौसम बरसात है तो कभी खिता का मौसम है। लेकिन खिता के मौसम को देखकर पतझड़ के मौसम को देखकर कोई ये न समझे कि बहार नहीं आएगी। खिता का आना ये बता रहा है कि बहार का मौसम भी आएगा। अगर आज इस्लाम के चमन पर खिजा का मौसम है और फसलें खिजा आई हुई है, हम इराक में देखते हैं तो वहाँ मुसलमान दोनों का कत्लेआम है, अगर मुल्क शाम में देखते हैं तो वहाँ कत्लेआम है, हम आगे बढ़ते हैं लीबिया में तो वहाँ कत्लेआम है, अफगानिस्तान तो 13 साल से और उससे पहले से रूस की जद में आकर कत्लों का आमाशगाह बना हुआ है। लेकिन याद रखे दुनिया, इस खिजा के बाद अगर फसलें बहार आएगी तो वो सिर्फ सिर्फ इस्लाम की बहार आएगी, इसके अलावा किसी और की। जहां तक उम्मत मुस्लिमा के खून का ताल्लुक है तो याद रखो मुसलमानों का खून ही इस्लाम के चिराग के लिए तेल का काम करता है। ये जो इस्लाम का चिराग रोशन है इसे उम्मत मुस्लिमा हमेशा अपने खून के तेल से रोशन करती रही है। आओ मक्का की तारीख उठाओ तो मक्का में हजरत सुमैया 70 साल की बूढ़ी औरत ने और उसके शौहर यासिर ने अपने जिस्म के टुकड़े कराकर और अपने खून का नजराना सरजमीन मक्का पर देकर हजरत खब्बाब ने सूली पर चढ़कर और हजरत बिलाल ने अपनी कमर के खून से आग के अंगारों को ठंडा करके ये बता दिया था उसी वक्त कि इस्लाम आ चुका है और इसके दीवाने इसकी चराग की लौ को कभी बुझने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। अगर इसका तेल खत्म होने को आएगा तो कभी मक्का से तो कभी मदीना से कभी इराक से और कभी शाम से और कभी सोमालिया से पूरी दुनिया से इसके दीवाने उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि हम अपने जिस्मों के खून के कपड़े देकर इस्लाम के सूरज को इस्लाम के चराग को रोशन करते हैं। नूरे खुदा है उम्र की हरकत पे हम वजन, भूखों से ये चराग बुझाया न जाएगा। युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि फी अफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह तबारक बता रहा है इस चराग के नूर को पूरा करके रहेगा, चाहे सारे दुनिया के बागियों को पूरा क्यों ना लगे, चाहे वो कितने ही गुस्से में आ जाए। अल्लाह ने कहा तुम अपने ऊपर चबाओ गुस्से से और चाहे तुम मर जाओ, लेकिन अल्लाह तबारक बताला इसे मुकम्मल करके रहेगा। ए मुसलमानों, में आपकी तारीफ के पन्ने उलटते हुए अब कर रहा था कि मुसलमानों को जब भी किसी मजलूम ने आवाज दी है तो मुसलमानों के जिम्मेदारी और समझते हैं उनका फरीदा है कि दुनिया पर इंसाफ को ही दिला सकते हैं। आओ याद करो
स्पेन की सरजमीन से जिसे अर्रिल कुदुस कहा जाता है उसे हिस्पानिया भी कहते हैं। एक रोता हुआ ईसाई मूसा बिन नसीर के पास आया और उनके पास आकर उनसे निपट कर जारो कतार रोने लगा और कहने लगा, ए मूसा बिन नसीर, मेरी एक छोटी सी जवान बच्ची थी जिसको मैंने ईसाई बादशाह के पास इल्म हासिल करने के लिए भेजा था, तरबियत के लिए भेजा था, मैंने उसे स्वास्थ्य इसलिए भेजा था कि वो वहां से कुछ इल्म हासिल करके आएगी, लेकिन उसने तो उसकी किस्मत को तार तार कर दिया, उसकी किस्मत को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो मेरी बच्ची कुंवारी थी लेकिन उसने उसके साथ जिना किया, आज वो फूट फूट कर रोती है और मुझसे ये कहती है कि मेरी इज्जत का तार तार करने वाला क्या मैं उसका अंजाम इस दुनिया में देख सकती हूँ। मेरे बाप, अगर तू मेरा सच्चा बाप है, अगर तू मेरा हकीकी बाप है तो मेरे कलेजे को ठंडक उस वक्त पहुंचेगी कि जब मैं उस बादशाह को गिरफ्तार देखूं और मैं अपनी लुटी हुई किस्मत की कीमत अपनी आंखों से मसरूर होते हुए देखूं। ऐ मूसा बिन नसीर, मैं यहूदियों के दरवाजों पर गया मगर किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, मैंने ईसाई दूसरे बादशाहों को पुकारा लेकिन सब ने मुझे जग के देकर वापस लौटा दिया है। मैं किसको से अपनी बेटी के पास जाऊं? जब मैं रोता हुआ घर गया तो मेरी बेटी ने कहा, ऐ बाप, तू इधर उधर दर्दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुरान मूसा बिन नसीर की क़यादत में अफ्रीका को फतह कर रहे हैं। काश तू अपनी फरियाद अगर मोहम्मद के शेरों के सामने रख दे तो मुझे उम्मीद है कि वो ईसाई बेटी की फरियाद को भी रद्द नहीं करेंगे। मैं अपनी बेटी के आंसू और उसकी आंसुओं के साथ उसकी हिचकी और उसकी चीखें लेकर आया हूँ। ऐ मूसा बिन नसीर, क्या मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे दीन पर तो नहीं हूँ, मैं ईसाई हूँ, तुम मुसलमान हो। मूसा बिन नसीर खड़े होकर ये कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि रुए जमीन पर जिस किसी के साथ भी जुल्म सितम होगा उसका इंतजाम लेने के लिए अपने घोड़े समुद्र में डालेंगे और अपनी कश्तियों को आग लगाएंगे। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। 3,000 कलश्कर लेकर, सिर्फ 3,000 कलश्कर लेकर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को कुंदुज़ की तरफ भेजा जो ईसाइयत का गढ़ था। कितने मुसलमान थे? सिर्फ 3,000 थे। आज सारी दुनिया में मुसलमान 1,75,00,000,000 होकर भी खून के आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, इज्जतें हमारी लौट के वापस क्यों नहीं आ रही, क्या कुरान का वादा सच्चा नहीं है? वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं, कुरान का वादा तो गलत नहीं हो सकता? इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है। अगर आज जिल्लत हमारा मुकद्दर है और इज्जत हम रूठ चुकी है तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान से खारिज हो चुके हूं? दावा हमारा ईमान का हो रहा मोमिन ही ना हो, हम ईमान के दावेदारी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला कहता हो कि तुम्हारा ईमान मेरे यहां मोतबर नहीं है, मेरे यहाँ तो ऐसा ईमान मोतबर है जैसा ईमान था अबू बकर सिद्दीक का, मेरे यहाँ ईमान ऐसा मोतबर है जैसा ईमान था उमर इब्न खत्ताब का, मेरे यहाँ ऐसा ईमान मोतबर है जैसा ईमान था हजरत अली मुर्तजा का, मेरे यहाँ ऐसा ईमान मोतबर है जैसा कि ईमान था उस्मान गनी का। मैंने कह दिया है कुरान में आमिनू कमा आमनन्नास, ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान सहाबा इकराम लेकर आए। कुरान ने कहा, कह दिया है कि ऐसा ईमान लेकर आओ, फइन आमनू बिमिस्ली मा आमन तुम भी फकत ही तरह, अगर ये तुम्हारे जैसा ईमान ले आए, कैसा ईमान? रब्बे काबा की कसम, ऐसा ईमान कि जब बद्र में पहली मरतबा ईमान का इम्तिहान हुआ और ईमान को जांचा गया, जब मक्के वाले मदीना के पास पहुंचे तो ये मदीना में हिजरत करने वाले किसी और के सामने नहीं थे, उमर इब्ने खत्ताब के सामने, उनका मामू खड़ा था हजरत अली के सामने, उनका भाई अकील खड़ा था हजरत अबू बकर के सामने, उनका बेटा अब्दुल रहमान खड़ा था हजरत उबैदा बिन जर्राह के सामने, उनका वालिद मौजूद था मुसअब बिन उमैर के सामने, उनका भाई मौजूद था अली के सामने, उनका भाई अकील था और हजरत हमजा के सामने, उनका सगा भाई हजरत अब्बास थे रसूलुल्लाह के सामने, सगा दामाद ज़ैनब का शौहर अबुल आस था, लेकिन जरा
सहाबा को देखिए, सहाबा इकराम ने इस पहली जंग में इन मक्के वालों से कहा, सुनो तुम हमारे रिश्तेदार हो और तुम्हारा रिश्तेदार हो, हमने जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया था उस दिन सारे रिश्ते जाहिलियत के रोन दिए थे, एक रिश्ता है हमारे सामने और वो है कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता। हजरत उबैदा बिन जर्राह के सामने बाप आया, उसकी गर्दन उड़ाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में फेंक कर ये कहा, ऐ अल्लाह के रसूल राजी हो जाइए और कल कयामत में गवाही दीजिएगा कि मैंने आपके मुकाबले में अपने बाप की गर्दन उड़ाई है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने मामों का साफ कलम करके रसूलुल्लाह की चौखट पर इशारा करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, हम पैगाम देना चाहते हैं अहले मक्का को, क्या अपने बेटों को भूल जाओ, अपने भांजों को भूल जाओ, अपनी औलादों को भूल जाओ, अपने भाइयों को भूल जाओ, अगर सब पे आओगे तलवार की तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और अगर तुम अगर बच गए तो गिरफ्तारी से नहीं बच पाओ। नारायण तकबीर, तकबीर, तकबीर। कौन थे कैदियों में? नबी का सगा चचा अब्बास कैदी हर मस्जिद नबी के सुतून से बना हुआ है। नबी का सगा दामाद अबुल आस जंजीरों में बंधा हुआ है। भाई हजरत अली का अबू तालिब का बेटा आसी मस्जिद नबी में बंधा हुआ है। मुसअब बिन उमैर का भाई बंधा हुआ है। जिस वक्त मुसअब बिन उमैर के भाई को एक अंसारी सहाबी ने गिरफ्तार किया, उधर से मुसअब बिन उमैर गुजरे, अंसारी सहाबी से कहा, मस्के जरा कसके बांधे कहीं खुल ना जाए, इसकी मां बहुत मालदार है, बहुत ज्यादा फिदिया मिलेगा। क्या कैसे पहचानते हो? कहा मेरा भाई है। जिस वक्त अंसारी उसके भाई को मुसअब बिन उमैर के भाई को गिरफ्तार कर रहा है तो भाई ने चीख कर कहा, हो मेरे सगे भाई, हो मेरे मां जाए भाई, तू मेरा मुखालिफ हो गया। एक अंसारी को बताता है कि मेरी मां मालदार है, ये मुझे छोड़ ना दे। तुझे क्या हो गया? तू कितना बदल गया मदीना आकर? मुसअब बिन उमैर ने कहा, शुक्र इस बात का मना कि तू मेरे सामने नहीं आया, ये अंसारी तो तुझे गिरफ्तार करके मान के उसमें है कि इसे फिदिया मिल जाएगा, तो जहां बच्चे पैदा करने वाले की कसम, अगर तू मेरे हक पे चुप जाता तो सबसे पहली ख्वाहिश मेरी ये होती और दिल की हसरत ये होती कि तेरा सर रसूलुल्लाह के कदमों में पेश करके ये कहूं कि राजी हो जाइए हमसे, और कल कयामत में बताइएगा कि आपके दीवाने और आपके गुलाम वो है जिनके रिश्ते सिर्फ इस्लाम के रिश्ते हैं, इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसा ईमान लाओ जैसा अबू बकर सिद्दीक ईमान लेकर के आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ईमान खतरे ही में हो? उस वक्त कुछ लोग ईमान के दावेदार थे। कुरान के एक ही रुकू के बाद अल्लाह ताला ने 13 आयतें मुनाफिकों के बारे में बयान की। 13 आयतें मुनाफिकों के बारे में बयान की। मोमिन अन्नास मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से वो भी हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं है। युखादिरून अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, ये अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और ईमान वालों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह इनसे धोखे में नहीं आएगा। वमा हुम यद्दअऊन, ये धोखा क्या देंगे? अल्लाह ताला खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। था एक गिरोह जिसकी जबान पर ईमान का नारा था, जिसके लबों पर इस्लाम की गुफ्तगू थी, और जिसकी पेशानियां मस्जिद तक में झुक रही थी, और जो नामों के एतबार से भी मुसलमान नजर आ रहा था और रजिस्टरों में भी मुसलमान था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दावे ईमान को कबूल नहीं किया। उसकी वजह सामने आई कि जंगे बद्र के बाद जब जंगे अहद हुई और सामने से 3,000 कलश्कर कुफार का आया और 1,000 ये मुसलमान खड़े हुए थे, तो इनमें अब्दुल्ला बिन उबई ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए 300 लोगों को अपने साथ बचा करने गया और कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह
का साथ नहीं देंगे। और मदीना में पहुंच गया, 700 लोग रह गए, लेकिन ये 700 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीवाना मार रहे। ये कौन थे, ये कौन लोग थे ईमान के दावेदार थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें मुनाफिक कहा। इज्जत मिली उन्हीं 700 को, इज्जत मिली उससे पहले 313 को इज्जत मिली, और ये हमेशा हमेशा के लिए दलील ख्वार हो गए। ये पुराने की इनकी ये पुराने करीम इनकी हरकतों को बयान करता रहा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमें तड़पना चाहिए, रोजाना चाहिए। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, और इज्जत मोमिनीन के लिए है, थी और रहेगी। लिहाजा बोल वो मुसलमान जो आज जिल्लतों का ताक पहने हुए हैं, जो आज यहूदियों की चौखट पे अपनी सुम हिला रहे हैं, जो यहूदियों के सामने आज अपनी पेशानियां लगा रहे हैं, जो आज ईसाइयों के हाथ में अपना हाथ देकर उम्मत मुस्लिमा के कत्ल में बराबर के शरीक हैं, यकीन जानिए ये मुसलमानों के माथे पर कलंक है, ये मुसलमान नहीं है, ये उम्मत के वो मुनाफिकीन है। हमें चाहते सूरत की तरह यकीन है, इसलिए कि कुरान की आयतें हमारी आंखों के सामने है, कुरान का पैगाम हमारी नजरों के सामने है। इंशाअल्लाह हम इन्हें दुनिया में भी जलील व ख्वार होता हुआ देख रहे हैं, और कल कयामत के मैदान में भी जलील व ख्वार होता हुआ देखेंगे। हमारे सामने बड़ा अजीम मरहला है नौजवानों, तारीख इस वक्त हमें याद कर रही है और हमें पुकार रही है। जिस तरह कयामत की सुबह तक तारीख में जात को नहीं भुलाया जाएगा, उसके 3000 के दफ्तों को नहीं भुलाया जाएगा। हाँ हाँ, वो तारीख में जात 3000 का दफ्तर लेकर चल पड़ा। इधर वो ईसाई नौजवान लड़की रो रही है, ऐ मेरे वाला, ऐ मुझे बनाने वाले, मुसलमान हमारी मदद के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी लाज रख लेना, इनकी इज्जत रख लेना। ये मेरी पुकार पे चले तो है, लेकिन एक तरफ 3000 है और एक तरफ 3 लाख का लश्कर है। एक तरफ ये 3000 अपने मुल्क से बहुत ज्यादा दूर है, और दूसरी तरफ वो अपने मुल्क में खड़े हुए हैं। ईसाई की बच्ची की जबान मुसलमानों के हक में खुल रही है, उसके आंसू मुसलमानों के लिए टपक रहे हैं, उसके दिल मुसलमानों के लिए धड़क रहा है। इधर तारिक बिन ज़ियाद कहता है, ऐ ईसाई की बेटी, तू ये मत समझना कि हम दीन ईसाई के मानने वाले हैं, तारीख लिख कर रहेंगे और तेरे आंसुओं की कीमत अपने खून से चुका कर रहेंगे। हम भी तेरे पुर पर जुल्म करने वाले बादशाह के हाथों में हथकड़ियां लगा कर रहेंगे, और उस सरजमीन को जिस सरजमीन पर तेरी चीखें निकली है, जिस सरजमीन पर तेरे ऊपर हाथ पड़ा है, उस सरजमीन को इस्लाम का मरकज बना कर रहेंगे। तारी बिलजात की शान से दाखिल हुए, कश्तियां जला दी पार होते ही। इसी पे अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जौते खुदाई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये पुरस्कार होते हैं, इनके राज दुनिया को नहीं पता चलते। दुनिया सोचती रहती है इनके पास ताकत कहां से आई, दुनिया सोचती है इनके पास कुव्वत कहां से आई। बाकी के एजेंट समझते हैं कि ये ताकत कहां से आई, इन्हें इतनी बड़ी फतूहात कहां से मिल गई, ये अभी शहर से शहर में कैसे कैसे आ गए, इनके पास जमीन कहां से आ गई। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये वो पुरअसरार है जिनके राज कोई नहीं जानता, ये अल्लाह तबारक व तआला के जौक में मस्त है। ये कौन है, सिमट कर पहाड़ दुनिया की ठोकर से पर्वत भी दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दुनिया में इनकी ठोकर से पर्वत भी दरिया। अगर अगर पहाड़ को ठोकर लगा दे तो पहाड़ कपकपा उठे और उससे पानी का चश्मा जारी हो जाए, और पहाड़ रास्ता दे दे। ये देव गाजी ये वो बंदे हैं, दुनिया की समझ में नहीं आता। अगर आज आज दुनिया के किसी कोने पर अहले हक उठ खड़े हो और उन्हें अल्लाह तबारक व
تعالیٰ فتوحات سے ہم کنار کر دے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کر دے, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پرچم عطا کر دے, تو آج کا وہ مسلمان جس کے سامنے قرآن نہیں ہے, جو اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا, جو نبی کی سیرت کو نہیں جانتا, جو بدر کی فتوحات کو نہیں جانتا, مجھے بتا اے نوجوان, مجھے بتا بدر میں جب محمد رسول اللہ نکلے تھے تو 313 تھے, یہ 313 چھ تلواریں لے کر آئے تھے, جن میں 313 میں 6 کے پاس تلواریں ہیں, 307 خالی ہاتھ ہیں, لیکن 1000 کے مقابلے پر یہ فتح یاب ہو جاتے ہیں, جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں, یہ طاقت کہاں سے آئی تھی, یہ قوت کہاں سے آئی تھی, یہ مدد کہاں سے آئی تھی, یہ نصرت کہاں سے آئی تھی, یہ کس نے طاقت اور قوت عطا کی تھی, آپ پکار کر کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو جو اللہ کل مدد کر سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج مدد کے قابل نہیں ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی طاقت کو بھول کر آج کے نمرودوں فرعونوں کی طاقت کو ستا کر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو سب کچھ امریکہ اور اسرائیل کرتے ہیں, ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, یہی سب کچھ کر رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. فرعون فرعون ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کر سکا, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرتا رہا, اسی کے گھر میں پیدا ہوئے, یعنی پیدا ہونے کے بعد رہے, اور اسی سے مقابلہ ہوا, وہ جس کا خوف کھاتا تھا, وہ جس بچے سے ڈرتا تھا, وہ جس بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کر رہا تھا, اسی کے ہاتھوں وہ تباہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لکھ دیتا ہے وہی ہو گیا رہتا. کتنا ہی ابلیس سوچ لے کچھ نہیں ہو سکتا, ابلیس نے تو طے کر لیا تھا حضرت حسن کو زہر دینے کے بعد کہ حضرت حسین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور ان کی کسی اور آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ کون تھے حضرت حسین کو قتل کرنے والے؟ یہ یہودی مذاہب نہیں تھے, یہ کافر نہیں تھے, یہ عیسائی نہیں تھے, یہ مشرک نہیں تھے, یہ یزید کے فوجی تھے, یہ یزید کے گورنر کے آدمی تھے, وہ بھی تو مسلمان تھا, لیکن اس وقت ابلیس نے طے کر لیا تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کے ایک ایک بچے کو قتل کر دو, ورنہ آپ بتاؤ چند قدم کے فاصلے پر نہر فرات ہے اور نہر فرات سے پانی پینے پر کس کے لیے پہرے ہیں, تاکہ حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر پانی نہ پی لے, علی اکبر پانی نہ پی لے. جب ان کے لوگوں نے جنگ کر کے پانی کے مٹکوں کو بھر لیا تو پانی کے مٹکوں کو تیر مار کر ختم کر دیا گیا. بچے معصوم پیاس سے تڑپ رہے ہیں, گھوڑے پانی پیے اجازت ہے, اونٹ پانی پیے اجازت ہے, اور کوئی بھی پانی پیے اجازت ہے, لیکن اجازت نہ تھی تو حسین کے گھرانے کو اجازت نہ تھی, اس لیے کہ ابلیس اس موقع پر خود بخود کھڑا ہوا تھا. اسے معلوم تھا کہ حضرت حسین کی نسل سے وہ لوگ اٹھیں گے جو باطل کی سنابیں ہرا دیں گے, جو باطل نظام کو ٹھوکر لگائیں گے, جو باطل کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور سر دینے سے نہیں گھبرائیں گے, ان کے پیچھے امت کھڑی ہو جائے گی, یہاں تک کہ انہی کی نسل سے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گا, اور امام مہدی پھر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دیں گے, نہ مشرق میں انہیں کوئی روک پائے گا, نہ مغرب میں ان کے گھوڑے کو کوئی روک سکے گا, وہ پوری دنیا میں دوڑیں گے اور اسلام کو نافذ کر دیں گے. وہ چاہتا تھا کہ اسی وقت نسل حسین کا خاتمہ کر دیا جائے, نہ کوئی ان کے گھرانے کا مرد بچے گا, نہ امام مہدی آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں پر قادر ہے, کیونکہ یہ چال وہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے خلاف چل چکا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے اور پیدا بھی ہو گئے اور جب وہ نبی بنا دیے گئے تو ابلیس نے اس وقت بھی آسمان سر پہ اٹھا لیا, خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور ان کی قوم کو ان کے مخالف بنایا. کون تھے یہ حضرت عیسیٰ کے خلاف فتویٰ دینے والے؟
सुनो मुसलमानों, आज के अखबारात को देखकर गुमराह मत हो जाना, आज के अखबारात को देखकर सुनहरी दाढ़ियों को देखकर और हरी पगड़ियों को देखकर और मिंबर और मस्जिद पर बैठे हुए लोगों को देखकर गुमराह मत हो जाना, इसलिए कि कल भी बनी इसराइल के ये उलमा थे और कल भी बनी इसराइल के ये चौधरी और रब्बी थे जिन्होंने हजरत ईसा के खिलाफ कत्ल का फतवा दिया था, और रूमी हुकूमत से जो रूमी हुकूमत काफिरा हुकूमत थी, जो मुशरिक हुकूमत थी, जिस हुकूमत का उसमें राज था, उससे ये कहा था कि ईसा राम हमारे जदू में वाजिब उल कत्ल है, हम तो सूली पर नहीं चढ़ा सकते, तुम सूली पर चढ़ा। ये फतवा देने वाली अदालत किसकी थी? ये बनी इसराइल के वो लोग थे जिनके जिनके सीनों में तौरात थी, ये वो लोग थे जो ये वो लोग थे जिनके पास जबूर थी, ये वो लोग थे जिनके पास हजरत ईसा की सही सही निशान नहीं मौजूद थी, जो जानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक वताला का रसूल है, उन्हीं की खानदान का था, लेकिन हजरत ईसा वो दीन लेकर आए जो उनके जाली दीन से टकराता था, जो उनकी जाली शरीयत की मुखालफत करता था, वो सूद को हराम कहते थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूद को हराम कहते। ये था टकराव, आज भी यही है, आज भी यही है। रूए जमीन पर अगर कोई गिरोह, कोई जमात, कोई फिरका अगर आज ये कहे कि हम इस रूए जमीन पर वो निजाम लाएंगे जो कुरान का निजाम है, जिसमें सूद हराम है, जिसमें जिनाकार के 100 कोड़े लगाए जाएंगे, जिसमें शादीशुदा जिनाकार पे जिना साबित होते ही उसे संसार किया जाएगा, जिसमें मुर्तक की सजा मौत और वाजिब उल कत्ल है, तो आज दुनिया की सारी हुकूमतें हिलकर ये कहेंगी ये कौन सी शरीयत पेश कर रहे हैं, ये कौन सा निजाम पेश कर रहे हैं। कातिल की सजा तो 302 है और जिना की सजा क्या है, वो तो 4 महीने के बाद 376 है, 3 महीने के बाद जमानत, 376 ही तो है। एक दिन में भी जमानत हो सकती है, 3 महीने में लग सकते हैं, 4 में लग सकते हैं, लेकिन दफा क्या है, 376 जिना के सबूत पर 376। अब अगर कोई ये कहे कि 376 इस्लाम का कानून नहीं है, 302 इस्लाम का कानून नहीं है, 10 साल की सजा इस्लाम का कानून नहीं है, इस्लाम का कानून वो है जो कुरान बयान कर रहा है, चोर की सजा वो नहीं है कि इसे जेल भेज दो, बल्कि चोर की सजा चोरी साबित होने के बाद उसका हाथ काट देना है, अगर इस बात को कोई कहे नऊज़ुबिल्लाह हजार बार अल्लाह की पनाह, अगर आज हजरत ईसा दमिश्क के मीनारे पर नाजिल हो जाए और वो आज पुकार कर ये कहे कि मुसलमानों तुम जिस कानून को फॉलो कर रहे हो, तुम जिन अदालतों पर चल रहे हो, वो शरी अदालतें नहीं है, वो इस्लाम नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तो लोग कहेंगे हजरत ईसा नहीं, ये तो पता नहीं कौन जारी नहीं आ गया, ये तो कहा उनके मैंने इसराइल न हुआ, ये वो ईसा नहीं है। बजाय हजरत ईसा की बात मानने के रूमी काफिरा हुकूमत से कह रहे कि इन्हें कत्ल करो, और रूमी हुकूमत ने और यहूदियों ने मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मुकम्मल मंसूबा बनाया, उन्हें सूर्य पर चढ़ाने के लिए सारी ताकतें इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो रही थी? ये इब्लीस चाहता था कि वो हजरत ईसा जो कल कयामत के करीब आकर तमाम यहूदियों का खात्मा करेंगे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को पूरी दुनिया तक पहुंचा देंगे, जो 40 साल तक इस्लामी हुक्मरान बनकर जमीन पर अल्लाह का निजाम नाफिज करेंगे, उस ईसा को आज भी सूर्य पर चढ़ा दिया जाए, उस ईसा को आज ही कत्ल कर दिया जाए, न ईसा होगा न दज्जाल का कत्ल होगा, दज्जाल दुनिया में घूमता फिरेगा, दज्जाल हुक्मरानी करेगा, लेकिन अगर ईसा मौजूद है तो ईसा दज्जाल का कत्ल करेगा। वो अपने मंसूबा पूरा कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाकर महफूज किया, वहां हजरत ईसा को बचाया गया, और मैदान करबला में हजरत हुसैन के एक बेटे ज़ैनुल आबिदीन को बचाया गया, जिनका नाम अली, ज़ैनुल आबिदीन उनका लकब है, अरबियों की जीनत, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। ये बीमार थे,
इसी तरह उनकी नजरों से ओझल हो गए। वो हजरत हुसैन के कत्ल में उनके कत्ल के बाद जश्न मनाते रहे और यहाँ ये बच्चा खैमे में बुखार में तड़पता रहा, इसकी तरफ नजर नहीं गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हुसैन की शहादत को तो कबूल फरमाया, लेकिन उनके खून के कतरे को, उनके जिगर के टुकड़े को, जिसको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। न इब्ने ज़ियाद कत्ल कर सका, न शीमा कत्ल कर सका, न उसकी फौजें कत्ल कर सकी, और ये बच्चा इबादत गुजार बन गया। इसने हुकूमत को ठोकर मार दी, इसने सियासत को ठोकर मारी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदा रखा, उनकी नस्लों को पूरी दुनिया में बखेर दिया। आज दुनिया में जितने भी असल सैयद हैं, असल सादात हैं, असल हसन हुसैनी हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादे हैं। इसी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से इंशाअल्लाह अन करीब हजरत इमाम महदी बनकर इमाम मोहम्मद फिर जाएंगे। जिनकी क़यादत में एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पूरी दुनिया में नाफिज हो गई, कच्चा मकान और पक्का मकान कोई नहीं बचेगा। ये बात तो बीच में तस्करे के तौर पर मैंने आपके सामने अर्ज की। मेरे दोस्तों अजीजों, कल वो जमाना था कि तारीख बिन ज़ियाद ने कुदरत की सरजमीन पर, स्पेन की सरजमीन पर कदम रखा, कश्तियां जला दी और कश्तियां जलाकर ये कहा, बात अल्लामा इकबाल के अशआर से दूसरी तरफ चली गई थी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये तेरे गाजी ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, ज़मीन इनकी ठोकर से पर्वत भी दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाज़े गनीमत न किश्वर को शरीफ। दुनिया वालों को शायद पता नहीं है, इसलिए कि आज मुसलमान भी भूल गए। कल शहादत की मौत के लिए नबी आरज़ू करते थे। उमर इब्ने खत्ताब हर नमाज के बाद दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की दुआ करते थे, लेकिन आज का मुसलमान शहादत से गाफिल हो गया और शहादत की मौत से उसे नफरत होने लगी। इसलिए दुनिया समझती है कि मुसलमानों के लिए शहादत कोई गाली है, कोई गुनाह है। नहीं, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाज गनीमत न किश्वर कुशाई। दुनिया की कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें गुनाहों के मगफिरत का वादा किया गया हो, लेकिन शहीद वाहिद वो शख्स है जी गुनाहों की मफरत का अल्लाह ने वादा किया। जमीन पर कपड़ा खून कर गिरने से पहले ही उसके सारी खताएं जिंदगी की माफ हो जाती। तो तारीफ बिन ज़ियाद ने समंदर पार करके कश्तियां जलाकर अपने साथियों से कहा, अल्लाह अकबर, क्या जमाना था, क्या जमाना था। कश्तियां जलाने के बाद अपने साथियों से कहा, जब उनके साथियों ने कहा कि तारीख की तुमने क्या किया, कश्तियां क्यों जला दी, अब हिजाज कैसे जाएंगे, अब वतन कैसे लौटेंगे, तब तारीख बिन ज़ियाद ने कहा, बहरु खल्फकुम वला दुफू अमामकुम। सुनो, समंदर तुम्हारे पीछे और दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने कश्तियां इसलिए जलाई हैं कि अब मौत के सिवा कोई चारा नहीं है, पीछे लौटो तो समंदर की मौत, आगे बढ़ो तो इज्जत की मौत। बताओ किधर जाओगे, अगर भाग का समंदर में जाओगे तो तारीख लिखने वाला लिखेगा कि ये वो कौम थी जिसने ईसाइयों के सामने टिकने की हिम्मत न की और भागी, और पीछे समंदर की मौतों ने उसे डुबो दिया। और अगर आगे बढ़ते हो तो तारीफ ये लिखेगी कि एक ईसाई बेटी की पुकार पर मुसलमान
आगे बढ़े और अपनी जानों का नजराना देकर उसके आंसुओं के साथ अपने खून के कतरे मिला दिए। बताओ कौन सी मौत चाहिए? 3,500 लोगों ने कहा अब हमें इज्जत की मौत चाहिए। और जब कोई कौम मौत से दोस्ती कर लेती है, मौत से जारी कर लेती है और कोई कौम मौत से पंजा डाल देती है तो मौत उससे घर आ जाती है। ये 3,000 इस तरह आगे बढ़े कि अगले दिन 1,00,000 फौज ईसाइयों की जमीन पर कड़ी पड़ी। फिर तो जिधर गए उधर नारे मस्ताना लगाते हुए, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए तारीफ बिन सियाह ने बुनियाद रखी, मस्जिदें बनी, कुरान पढ़े गए, कुरान की तफसीरें लिखी गई, इल्म कलाम लिखा गया, इल्म तफसीर लिखी गई। 800 साल तक मुसलमान वहां की मस्जिदों में अजाने देते रहे, 800 साल तक इल्म के दरिया बहाते रहे। अल्लाह अकबर, इन 3,000 ने अपना सा हौसला किया, इन 3,000 ने मौत से जारी की, इन 3,000 ने अल्लाह तबारक वताला से अपनी जानों का सौदा किया, इन 3,000 ने अल्लाह तबारक वताला के हाथ अपने आप को बेच दिया, अल्लाह तबारक वताला ने उनको जिंदगी अता फरमाई और वहां भी 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराता रहा। यह है आपकी सुनहरी तारीख, यह है आपका रोशन माजी, यह है आपकी हसीन तारीख जिसे आप ही ने लिखा है, जिसे आज भी कर्नाटक की दीवारें बता रही हैं, जिस तारीख को आज भी अलहमरा का किला बता रहा है, जिसे आज भी कुर्तुबा की मीनारें बता रही हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, 800 साल का उदूस का मुसलमानों का सफर किस तरह धूल में उड़ा दिया गया और किस तरह आज वहां मस्जिदों को ताले डाल दिए गए और किस तरह आज वहां एक एक मस्जिद को चर्च बना दिया गया, मस्जिद कुर्तुबा की हैसियत छीन ली गई, अलहमरा किले से अब्दुल रहमान की चाबियां छीन ली गई। हुआ क्या? हुआ ये कि जब उस कौम के पास मार आया, जब उस कौम के पास दौलत आई, जब उस कौम के पास सरवत आई, तो उस कौम ने अपने माल को दीवारों पर नक्काशी करने पर लगा दिया। उस कौम के हाथ में भी शराब के जाम आ गए, उस कौम के हाथ में फिर तबला बांसुरी आ गई, उस कौम के हाथ में फिर सारंगी आ गई, उस कौम के मुंह में फिर बांसुरी आ गई, वो ढोल बजाने वाला हो गया, वो औरत की जुल्फों का असीर हो गया। लिहाजा अल्लाह तबारक वताला उनसे ऐसा उठा कि ईसाई उन पर तालिब आए और ईसाइयों ने ऐलान कर दिया, जो इस सरजमीन पर रहेगा वो ईसाई बनकर रहे वरना धरती को छोड़कर चला जाए, अगर छोड़कर नहीं जाएगा तो हम उसे कत्ल कर डालेंगे। एक बार उन्होंने ये ऐलान किया कि मुसलमानों अपनी किताबें हमारे पास जमा कर दो, इसलिए कि तुम्हारी किताबों में ऐसा मवाद मौजूद है जो हमारे खिलाफ बढ़कर रहा है। मुसलमानों के लीडरों ने कहा जमा कर दो, क्या बात है, हमारी हुकूमत है, हमारे लोग हैं, हमारा तबका कह रहा है जमा कर दो। मुसलमान क्या करते, चूंकि मुसलमान को फिर लीडरों के पीछे चलता है। जब हर परस्त उलमा को उम्मत खो देती है तो फिर ये गुमराह करने वाले उम्मत की तैयारी करते हैं। एक घर पे जाकर कह दिया गया कि हमें पता चला है तुम्हारी किताबों में ईसाइयों के खिलाफ नफरत, ईसाइयों के खिलाफ लड़ने की बात, ईसाइयों को कत्ल की बात लिखी हुई है, लिहाजा ये किताबें जमा कर दो। मुसलमानों ने लाकर सारी किताबें जमा कर दी, जिनमें बुखारी भी थी, जिनमें नसई भी थी, जिनमें तिर्मिज़ी भी थी, जिनमें इब्ने कसीर भी थी, जिनमें अलविदाया व निहाया भी थी, तमाम किताबों को जमा कर दिया गया। ईसाइयों ने कहा कि असली किताब तो ला नहीं रहे हो, वो कुरान कहां है, वो कुरान कहां है जिसमें जिहाद की बात की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ईसाइयों से लड़ो। قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون। वो किताब का है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ईसाइयों से उस वक्त तक जंग करो जब तक ये जिजिया ना देने लगे, जब तक ये टैक्स ना देने लगे। तुम हमसे जिजिया लेने की बात करता है, तुम्हारा कुरान लाओ और यहां ला करके जमा कर दो। मुसलमान मजबूर थे, का छला कुरान जमा कर देते हैं, बाद में वापस दे देंगे।
कलीसा के चर्च के सामने किताबों का ढेर लगा दिया गया जिसमें कुरान भी था हदीस की किताबें भी थी। ईसाई पादरी आया, फर्डिनेंड से कहा, मरकज़ अज़ाबेला से कहा, लाओ मशाल, सारी किताबों को आग लगाए देते हैं, जलाकर खाक करती पूरी किताब, शोले उठते रहे, लपटे उठती रही, मुसलमान घरों में रोते रहे, चीखे मारते रहे, हिस्सियां मारते रहे, इतनी जुरत भी न थी कि जाकर के अपना एक प्राण छीन लाते, इतनी हिम्मत भी न थी कि अपनी कोई किताब उनसे वापस ले आते, कुरान चलता रहा, इसी तरह हदीस की किताबें चलती रही, और उसके बाद जब ईसाई जलाकर जश्न मनाकर चले गए तो रात के अंधेरे में निकले और उसके रात को अपनी आंखों से लगा रहे कि तबर्रुक है। ये कौमों की तारीख है जब मुस्लिम कौम घोड़े की पूंछ पर सवार होकर अपनी कश्तियां चलाने का हौसला करती है और अल्लाह तबारक वताला से अपनी जान को बेचती है तो अल्लाह तबारक वताला उन्हें उसकी फतह उसके हाथों पर लिखता है। लेकिन यही कौम जब ईसाइयों से दोस्ती करती है और उनसे यारी करती है और उनकी औरतों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखती है, उनकी बनी हुई शराबों को पीने लगती है, उनके बनाए हुए संगीत और म्यूजिक को इस्तेमाल करती है और किला बनाने पर चढ़ जाती है तो वही से चाबियां छीन कर जिला वतन कर देते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, पूरे कुंदरुस में एक भी मुसलमान नहीं। ऐ मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, तुम भी तारीख लिख सकते हो, सुनहरी तारीख। एक है तारीख पढ़ने का वक्त, एक है तारीख लिखने का वक्त। आज सारी दुनिया में कुफ्र इस्लाम का मार्का मशरिक से लेकर मगरिब तक छिड़ चुका है। एक तरफ सारी दुनिया का कुफ्र इकट्ठा है और उनके साथ मुसलमानों के मुर्तद हुक्मरान और उनकी जालिम फौजें इकट्ठा है जिन्होंने अपनी जमीन से लेकर अपनी तमाम ताकतें उनके हवाले कर दी हैं। और एक तरफ एक वो ताइफा मंसूरा है, एक छोटी सी जमात है जिसने अल्लाह तबारक वताला से अहद पैमान किया है, जिसने अल्लाह तबारक वताला से कौलो करार किया है, जिसने अल्लाह तबारक वताला ये मुआहदा किया है। ऐ अल्लाह तबारक वताला, जब तक ये हाथ सलामत है इसमें तेरा ही परचम उठाएंगे, वो परचम जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ऐ अल्लाह, अगर तू हमें जमीन का एक टुकड़ा अता करेगा तो उस एक ही टुकड़े पर हम तेरी किताब और तेरी शरीयत को नाफिज करेंगे। हम रूठेंगे उनसे जो तुझसे तेरे दुश्मन है, हम दोस्त बनाएंगे उनको जो तेरे दोस्त है। जमीन पर कुफ्र इस्लाम के बीच एक लकीर खिंच चुकी है, उम्मत मुस्लिमा के सामने दो कैंप है। एक तरफ बातिल ने नाम सिर्फ नाम के मुसलमानों को ही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, 7 लाख के करीब मुल्क शाम के मुसलमान घरों से निकाल के जिला वतन कर दिए गए, कैंपों में पड़े। हाय मुसलमानों, हम अभी भी अच्छे हाल में हैं, अभी भी बड़ा इम्तिहान हमारा नहीं लिया गया। उनका इम्तिहान तो इतना कड़ा लिया जा रहा है कि उन पर रोजी के दरवाजे बंद हैं, उन पर खाने पीने की अशिया बंद हैं। जब वो भूख से तड़पने लगे और उनके हजारों बच्चे लुकमे अजल बन गए, जब उन्होंने उलमा से पूछा कि आखिर हम क्या करें, तो वहां के उलमा ने मजबूर होकर, अरब उलमा ने, शामी उलमा ने ये कहा कि तुम अब पालतू जानवरों को काट कर खा सकते हो, कुत्ता नजर आए उसे जिबा कर लो और उसे खा लो, अगर बिल्ली हाथ लग जाए उसे खा लो, यहां तक कि मुर्दा शेर जो चिड़िया घर में मर गया था उसके टुकड़े खाने पर वो कौम मजबूर हुई। आखिर वो कौन कौम है? वो मुसलमान है जो जो अर्ज मुकद्दस में रहा करते थे, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास दौलत के खजाने, जिनके पास इज्जत, जिनके पास इज्जत भी थी, जिनके पास मर्सिडीज गाड़ियां थी, जिनके पास एयर कंडीशन बंगले थे, जिनके पास खूबसूरत बाजारें थी, जिनके पास खूबसूरत चमन थे, वो पार्कों में घूमा करते थे। लेकिन 2011 से जो आजमाइश आई है तो चारों तरफ से आज खून के दरिया में तैर रहे हैं और कोई पुरसाने
हाल नहीं है, जुर्म क्या है, जुर्म ये है कि ये मुसलमान की औलाद क्यों है, जुर्म ये है कि इसका नाम उमर क्यों है, इसका नाम अबू बकर क्यों है, इसका नाम उस्मान क्यों है, इसका नाम अली क्यों है, इसका नाम खालिद बिन वलीद क्यों है। ये चाहे चेहरे से मुसलमान नजर ना आता हो, ग्रीन शेव हो, लेकिन इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिखा हुआ है, इसके दिल में कर्मा तैयबा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो लिखा हुआ है। लिहाजा इन्हें गुजार दो और दुनिया में किसी को उनसे तरस नहीं आ रहा। हाय मुसलमान, जो कल दूसरों की इज्जत और आबरू बचाने जाता था, आज उसकी बहन बेटियों की आबरू खतरे में है। कल जो पूरे हुए जमीन पर इंसाफ के झंडे गाड़ने के लिए जाता था, आज वो खुद अदालतों में खड़ा है कि मेरी FIR लिख लो, मुझे मेरे बच्चों के कत्ल का मुआवजा दे दो, मुझे मेरे कातिलों के मेरी नजरों के सामने कातिलों को हथकड़ी लगा दो। कौन उसे पूछने वाला है? शेर से जाके शिकायत कर रहे हैं कि तूने हमारे बच्चे को क्यों मारा है। हम कातिल से जाकर कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दे। अल्लाह तबारक व तआला अर्श आज़म से पुकार रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की शक्ल में हमें आवाज दे रहा है। ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हें दुनिया का इमाम बनाया था, मैंने तुम्हें दुनिया का इमाम बनाया था। कुन तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ये तुम ही तो थे जो मक्का से निकले और मदीना में जाकर जमा हो गए। तुमने कौम की परवाह न की, तुमने वतन की परवाह न की, तुमने अपने बापों की परवाह न की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम फेर लिए गए तो अल्लाह ने गैब से फरिश्तों की मदद भेजी, फिर तुम्हारे घोड़े कभी ईरान के किसरा के महल में हिन हिला रहे हैं और कभी कुछ तुम दुनिया को फतह कर रहे हैं, कभी साफ में मक्का दरियाए दिजला में अपना घोड़ा दौड़ा कर ईरानियों को बता रहा है कि दुनिया की वो कौम है जो दरियाओं की रवानी की परवाह नहीं करती, दरिया इन्हें डुबोने के लिए नहीं बल्कि रास्ता देने के लिए आए हैं। और कभी सुल्तान मोहम्मद पाते उस्मानी तुर्कों का एक बेटा रेत पर, पहाड़ों पर, पत्थरों पर कश्तियां चलाकर रोमियों की राजधानी कुतुब दुनिया को फतह कर रहा है और उनसे ये कह रहा है कि अगर तुम ये समझते थे कि कश्तियों के जरिए ही कुतुब दुनिया फतह करेंगे तो वो और लोग होंगे। अब उस्मानी तुर्क कुतुब दुनिया में खड़े होकर वेटिकन सिटी में खड़े होकर अल्लाह अकबर की आवाज और तकबीर गूंज रहे हैं। नाराय तकबीर बस मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह तबारक तआला को पुकार रहा है। कुरान वही है, हम कुरान से वो मोहब्बत करें जो सहाबा करते। क़िबला वही है, नहीं बदला। मदीना वही है, शरीयत वही है, कुछ नहीं बदला, हम बदले हैं। हमने अपने हाथों में कुरान को हटाकर वो कानून अपने हाथ में ले लिया जो यहूद और नसारा ने लिखा है, और आज किसी मुसलमान से अगर बात करो तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनसे अगर ये कहो कि ये निजामे हुकूमत जो दुनिया पर चल रहा है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो ऐसे देखता है जैसे अजनबी शहर में ऊंट पहुंच गया। क्या बात करते हो मौलाना साहब, किस दुनिया की बात कर रहे हो? क्या इस्लामी निजाम में कोई काफिर मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता है? पूरी 1400 साल तारीख में बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर मुसलमानों के आखिरी खलीफा अब्दुल हमीद सानी तक कोई एक बताओ, कोई एक बताओ कि कोई मुसलमानों ने कभी काफिर को अपना अमीर तस्लीम किया हो, किसी यहूदी को किया हो, किसी ईसाई को किया हो, किसी मुशरिक को किया हो, किसी बुतपरस्त को किया हो, किसी मजूसी को किया हो। 1450 साल तक मुसलमान होता था, चाहे वो हमामों नशीर हो, हारून नशीर हो, मुंतसिम बिल्ला हो, मोतसिम बिल्ला हो। लेकिन अब तो 33 करोड़ झूठे माबूदों का पूछने वाला हमारा रहनुमा और हमारा रहबर, हम उसके गुलाम और हमारा आता है।
یہ ہے فرق جب تک امت مسلمہ اس کو نہیں چھوڑے گی ذلت اس کے دامن سے چپکی رہے گی جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے عزت اور ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بھی مسلمانوں کو چوتھائی دنیا عطا فرمائی ایک ہی شخص تھا جس کا نام عمر ابن خطاب ہاں وہی عمر ابن خطاب جو ایک وادی میں کھڑے ہوئے تو دوپہر کے وقت میں اس وادی کو دیکھتے رہ گئے کھو گئے اس کی یادوں میں کسی ساتھی نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے عمر کیا اس وادی سے تمہارا کوئی پرانا رشتہ ہے لگتا ہے خوابوں کی دنیا میں چلے گئے ہو اور خیالوں کی دنیا میں کھو گئے ہو اس وادی سے آپ کا کیا رشتہ ہے عمر نے جھرجھری لی اور کہا ہاں اس وادی سے میرا بچپن وابستہ ہے اس وادی سے میرا لڑکپن وابستہ ہے یہ وہی وادی ہے جہاں میں اپنے اونٹوں کو لاتا تھا اور یہاں کھیل میں لگ جاتا تھا جب خالی پیٹ میرے اونٹ گھر جاتے تو میرا باپ خطاب بچی لے کر مجھے مارنے کو دوڑتا تھا کہ تیرے ساتھی چالاک ہے اونٹوں کا پیٹ بھرا کر لائے ہیں ہری جگہ پہ چرا کر لائے ہیں تو نے اونٹوں کو چرانے کی فکر ہی نہیں کی مجھے ڈر یہ ہے کہ تو روٹی کیسے کھائے گا مجھے خوف یہ ہے کہ تو دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا تو کتنا پاگل اور بے وقوف ہے تو کہتے میں وہی عمر ہوں جسے اونٹ چرانا نہیں آتے تھے اس بنیاد پر میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا لیکن آج میری موت کا ایک دستہ رومیوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور دوسرے دستے نے کتنا کے محل کو پتا کر دیا یہ کہتے ہیں ہاں میرے محبوب اے میرے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری تیرا اور تیری بات سچی ہے تیرا لفظ سچا ہے تو نے صحیح فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عزت عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے قومیں ذلیل ہو جائیں گی گھر جائیں گی آج بھی مسلمانوں اگر ہم ذلت کے گڑے سے نکلنا چاہتے ہیں عزت کی زندگی چاہتے ہیں سربلندیاں چاہتے ہیں تو یاد رکھیے سربلندیاں اللہ کے دشمنوں کی جوتیاں سیدھی کر کے نہیں ملیں گی سربلندیاں ان کے تن میں چاٹ کر نہیں ملیں گی سربلندیاں حکومت کے ایوانوں میں پہنچ کر نہیں ملیں گی وہاں بھی زبان پر لگام لگا دی جائے گی تم اپنے ایک بچے کے قتل پر اس کی زیارت تو نہیں جا سکو گے تم اپنے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکو گے تم اپنے ایک یتیم کے لیے ایک گز کا ٹکڑا بھی وقف نہیں کرا سکو گے تمہاری ذلتوں کا یہ عالم ہوگا کہ اپنی زبان کھول نہیں سکو گے اس لیے کہ تم ان کے تابع ہو عزت اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے صحابہ نے جن کے پاس پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھے جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے جن کے پاس تن کو چھپانے کے لیے دو چادریں تک میسر نہیں تھی جن کو سوار ہونے کے لیے تک میں اثر نہیں تھے جن کو گھڑ سواری کے لیے گھوڑے تک درکار نہیں تھے لیکن جب وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میدانوں میں نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لباس کو اتنا پسند کیا کہ آسمان سے فرشتے ان کے جیسی پگڑیاں باندھ کر آئے آسمان کے فرشتے ان جیسی چادریں پہن کر آئے آسمان کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کر لائے اور اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر دشمنوں کی قدروں پر ٹوٹ پڑے اور جب ان کے دل اکھڑے تو فرشتوں نے ان کے دلوں کو چبا دیا جب وہ پیچھے لوٹنے کی کوشش میں تھے تو فرشتوں نے کہا کہ بنو قریظہ کو فتح کر لو رب کعبہ کی قسم اگر آج ہوئے زمین کے مسلمان کسی خطے کے ہوں کسی ٹکڑے کے ہوں اگر وہ قرآن پہ 100% ایمان لے آئیں اور یہ طے کر لے کہ قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کرنا ہے تو آج بھی فرشتے ان کی مدد کو آئیں گے تکبیر یہی کمی ہے یہی آج کمی ہے اے مسلمانوں پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوة ایمان والے آپس میں بھائی ایمان والے آپس میں بھائی ہیں لیکن آپ آپس میں ایمان والوں کو بھائی کہاں کہہ رہے ہیں آپ نے بھائی کہاں کہا
मैं आज भी कैंपस से घूम कर आ रहा हूं और पिछले सितंबर फरवरी तक यहां रहा। माफ कीजिएगा, किराना हो या दूसरे गांव, जब भी उनके पास गए तो हमने तो लोगों को गालियां बकते हुए देखा और ये कहते हुए देखा कि ये मुसलमान नहीं है, ये मरे तो अच्छा हुआ, इन पे लाठी बरसी तो अच्छा हुआ। अभी एक हफ्ता पहले मोहम्मदपुर में था तो वहां एक शख्स दाढ़ी लगाए हुए है, सर पर टोपी लगाए हुए है, एक रुपया खर्च नहीं करता और ये कहता है कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, ये इसी सजा के मुस्तहिक थे। हमें इनसे कोई हमदर्दी और उल्फत नहीं होना चाहिए। उल्फत कुछ कैसे होगी, इसीलिए कि कुछ है अल्लाह ताला ने वो दिन नहीं दिखाया। अगर काश तू एक दिन छोपड़े में रख लेता और काश एक दिन तू दोपहर में जिंदगी गुजार लेता और जंगल में पड़ा होता, जहां बिच्छू भी है, जहां सांप भी है, जहां गिलहरियां भी है, जहां मासूम बच्चे अपने बाप की गोदों में भी सो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रात को खतरा सताता है। जो दूसरों की सरजमीन पर है और तलवार रखी हुई है, न जाने कब निकाल दिया जाए। बारिश होती है तो अपने घर में अपने संदूक को बचाने के लिए, अपने कपड़ों को बचाने के लिए कभी इस जगह लगे हुए हैं, कभी उस जगह लगे हुए हैं। वो सब कुछ छोड़ कर आए ईमान की बुनियाद पर। अगर वो ये कह देते कि लो ये हमारी बेटी, तुम्हारे साथ निकाह कर देते हैं, तुम्हारे साथ साथ फेरे फेर देते हैं, इसे उठाकर ले जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर में जाने के लिए तैयार हूं, तो कौन उन्हें वहां से बाहर निकाल। तू कहता ईमान नहीं है। ईमान की मजबूती का ये आलम कि जंगल में एक साल से पड़े हुए हैं, एक सर्दी गुजरी, एक गर्मी गुजरी और एक बरसात गुजरी और दूसरी सर्दी फिर आ रही है, और फिर ये कहते हैं कि दुआ करो हमारे लिए, हम क्यों छोड़ कर आए हैं। तुझे नहीं पता कि एक बीवी अपने शौहर के सरहाने बैठी है, बुखार से सर तप रहा है, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं है और कमाने वाला भी वही है। तेरे पास तो होना ये चाहिए था कि तू अपनी ज़कात लेकर पहुंच जाता, तू सहाबा के सामने टिक जाएगा, तू सहाबा के सामने बात करेगा। अरे सहाबी तो वो थे, सहाबी तो वो थे कि जब मक्का के मुसलमान मदीना से सताए हुए मां मदीना पहुंचे, जब मक्के में काफिरों ने सीना तंग कर दिया था, रब्बे काबा की कसम तुम न थे उस दौर में। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हिजरत करके आते तो तुम कहते कि अच्छा हुआ ये फिर आया वहां। क्यों सहाबा क्यों गए थे मक्का से? नमाज नहीं पढ़ते थे, कलमा नहीं आता उन्हें, सहाबा का ईमान नहीं था। क्यों गए थे मक्का से मदीना? कहो, कुछ नहीं आता था उन्हें, कलमा सुन के देखा उन्हें, सहाबा से नहीं आता था। अगर नहीं आता कलमा तो किसका कसूर है? किसका कसूर है ये? अगर मेरे बेटे को कलमा नहीं आता तो मेरा कसूर है, मेरे पड़ोसी को नहीं आता तो मेरा कसूर है। क्यों नहीं है? कहां है उम्मत के जिम्मेदारान? कहां है दावत और तबलीग और मदारिस का पूरा निजाम? आजादी के बाद से अब तक हमारे भाइयों को कलमा क्यों नहीं आया? सहाबा ने तो कलमा उनको पढ़ा दिया जिनको कलमा नहीं आता था। क्या मुसब्ब बिन उमैर कलमे वाला था उसे कलमा पढ़ाया? क्या बिलाल कलमा पढ़ने वाला था उसे कलमा पढ़ाया? क्या सिद्दीक अकबर को कलमा आता था उसे कलमा पढ़ाया? क्या उमर इब्ने खत्ताब को कलमा आता था उन्हें कलमा पढ़ाया? और किसने पढ़ाया? उमर की बहन ने पढ़ाया और ये कहा कि उमर सुन, तेरी ताकत अपनी जगह, तेरी कुव्वत अपनी जगह, तेरा जलाल अपनी जगह, मगर जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरा लहू रगों में बाकी है, तुझे न पाकी की हालत में कुरान नहीं छूने दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तू कुरान को जला न दे। बहन अपने भाई के सामने सीना सिपर हो गई और सबों से चूर चूर होकर ये कहा, उमर टुकड़े टुकड़े कर दे, लाश क्यों बखेर दे, बोटी सीमा सीमा कर दे, लेकिन तारीख लिखेगी कि उमर की बहन ने अपने भाई को कुरान नापाकी की हालत में नहीं दिया। अगर तू पढ़ना चाहता है तो ताला कर और ये वादा कर कि तेरा वादा एक अरब का वादा है, एक कुरैशी का वादा है, तू अल्लाह की किताब को छुएगा नहीं बुरी निकाल से। लाए ईमान उमर इब्ने खत्ताब? कहीं लाए। अरे उन्होंने तो उनको कलमा पढ़ाया जिनके 365 दूध थे,
हम अपने भाइयों को नहीं पढ़ा सके तो कसूर किसका? नहीं, हमारा कसूर तो कुछ भी नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं है। कहीं कसूर उनका नहीं है जिन्होंने इन भाइयों को ये नहीं बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग मुशरिकों के बीच न रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उस मोमिन से बड़ी हूं जो मुशरिकों के दरमियान रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुशरिकों से इतना दूर रहो जितना कि दोनों एक दूसरे की आंख न देख पाए। आज वो उस माहौल से जब इस्लाम के माहौल में निकल कर आए तो हमारी जबानों पर ये है, काश हम गले से लगाते, सीने से लगाते, बच्चों की फिक्र करते, यतीमों की फिक्र करते, हम औरों की क्या करेंगे शाम और रात की और दूसरे ममालिक की, हम तो अपने पड़ोस में नहीं कर पाते। इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मोमिन, सारी दुनिया के मोमिन भाई भाई हैं। लेकिन आज के मुसलमान का हाल ये है कि उसे इस पर कोई गम नहीं होता। अगर इराक की सरजमीन पर तीन फौजी जो वहां के कैदी हैं जो जंग लड़ने आए, मैदानी जंग में पकड़े गए और उनको जब मायदा तय न पा सका और फिर उन पर जंग बोल दी गई, हमला मुसलत कर दिया गया और उन्होंने पहले कहकर कि अगर तुमने हमले न रोके तो फिर हम दूसरे का ये पैगाम भेजेंगे, तीन ईसाई कत्ल हुए और पूरी दुनिया का मुसलमान उनके लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है। तीन फौजी कत्ल हुए, तड़प रहा है कि हम ये क्या हो रहा है, ये इस्लाम में नहीं है, ऐसा इस्लाम में नहीं है। तो जो ईसाइयत कर रही है वो ईसाइयत में है? अरे ईसाइयत में तो थप्पड़ मारना ही नहीं। ईसा अलैहि सलाम का तो जो दीन था पुराना, उस दीन में तो ये है कि कोई दाएं कान पे थप्पड़ मारे तो बाएं और भेजकर तो कहीं और मार ले। पूरी ईसाइयत सारी दुनिया को उसने तहस नहस कर दिया। जापान को दो एटम बम गिराकर उसके दो शहरों को तबाह कर दिया और आज पूरी दुनिया में वो बेलगाम का हाथी बना हुआ घूम रहा है, बेलगाम का शेर बना हुआ जिसे चाहता है चबा जाता है और कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि तूने क्यों चबाया है, क्यों तूने ये जुल्म कर रहा है, तेरा क्या मतलब है इस सरजमीन से। ये है मुसलमानों का हाल कि वो तीन ईसाइयों के कत्ल पर जो कि जंगी मुजरिम थे और उनसे ये कहा गया था कि तुम हमारे कैदी छोड़ दो, हम तुम्हारे कैदियों को छोड़ देंगे, एक को पहले छोड़ दिया गया था, वो दोबारा फिर वहां पर पहुंचाया जासूसी करने के लिए, फिर उसके बाद ये पैगाम दिया गया है। तो इस पर मुसलमानों के दिल फटे जाते हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ तो सारी दुनिया के मुसलमान तड़प रहे हैं, हम मजम्मत करते हैं, जो कुछ हुआ हम उसके लिए रोते हैं, हम उसके लिए तड़पते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सीरिया की सरजमीन पर, शाम की सरजमीन पर 2 लाख मुसलमानों का कत्ल बशरुल असद कर चुका है। किसी ने यह भी पूछा कि तेरे मुंह में दांत कितने हैं? 2 लाख लोगों के कत्ल पर आपको कोई अफसोस नहीं? ये टूटा है कुरान से रिश्ता, मोमिन भाई नजर नहीं आ रहा, जो भाई नहीं है वो भाई नजर आ रहा है। जिससे हमदर्दी होनी चाहिए वो हमदर्दी नहीं और जिससे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए उससे हमदर्दी है। अपनी इस्लाह कर लो मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला जरा सी अपनी नजर करम हटा ले। क्या पिछले साल कश्मीरियों ने सोचा था? वो कश्मीरी जो लाखों मदरसे चलाते हैं, जिनका कोई तस्वीर आपने आज तक अपने उत्तर प्रदेश में चंदा करते हुए नहीं देखा होगा, लाखों मदरसे चलाते हैं, आलीशान मस्जिदें हैं, उनकी मस्जिदों में पहुंच जाओ तो ऐसी मस्जिदें जैसे कि दुबई और सऊदी अरब की मस्जिदें ऐसी तालीमें, ऐसी रोने वाली कौम। लेकिन क्या सोचा होगा उन्होंने कि ऐसा सैलाब आ जाएगा
कि बाप अपने बेटे को अपने अंगों के सामने डूबता हुआ देखेगा, औलाद अपने सामने बह रही होगी, यहां तक कि अल्लाह तबारक बताना कि किताब कुरान पानी में गर्क हो जाएगा, डूब जाएगी, और आज बकौम हाथ फैलाए हुए हैं, भीख मांग रही है। जिस तरह कल आपके यहां पर लोग गाड़ियां ट्रक लेकर आ रहे थे, आज काफले कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, लखों पति अरबों पति एक एक डबल रोटी के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्तों अजीजों, ये दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि इबरत हासिल करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। आज अल्लाह तबारक तआला ने जो हमें ऐशो इशरत दे रखी है, उस ऐशो इशरत को हम भूले नहीं। जो माल अल्लाह ने दिया है वो माल इसलिए नहीं है कि हम उसे फजूल खर्ची में उड़ाएं। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए म्यूजिक सारंगी और बांसुरी से अपने आप को दूर करो। मोबाइल सिर्फ जायज इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करो, फजूल खर्ची मत करो, या उसे इस्तेमाल कर सकते हो तो दीनी पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दिए नेक बंदों की तकरीरें एक दूसरे को भेजने के लिए, नाते व कुरान सुनने के लिए, आखिरत से मुताल्लिक बातों को सुनने के लिए। वरना उसे अगर आपने इस्तेमाल किया गलत चीजों के लिए, तो अल्लाह तबारक बताला कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी अजाब में मुब्तला कर दे, अल्लाह तबारक बताला हम पर कोई अपने किसी दुश्मन को मुसल्लत कर दे और फिर वो हम पर रहम ना खाए। इसलिए आज हमें अपने माशरे की इस्लाह करने की जरूरत है। हमारी औरतों से भी दरख्वास्त यह है कि ऐ औरत, ऐ मां, जब तू नेक हुआ करती थी तो तेरे साए में तारिक बिन ज़ियाद पैदा होते थे, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, तेरे साए के अंदर महमूद गजनवी और अहमद शाहब्दाली जैसे हुक्मरान पैदा हुआ करते थे कि जिनकी एक सजदा कौम के हजारों सजदों से भारी हुआ करता था, और दुनिया उनकी तरफ हसद भरी नजरों से देखा करती थी। ऐ मां, अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत कर लो, इस्लाम इन्हें पुकार रहा है, कुरान इन्हें आवाज दे रहा है, घरों में रखा हुआ कुरान बार बार मां तुझे आवाज देता है कि जिस तरह तू टेलीविजन को देखती है उसी तरह मुझे भी तो उठाकर देख लिया कर। तू मुझे कभी चूमती क्यों नहीं, तू मुझ पर कभी उंगलियां क्यों नहीं फेर लेती, तू मुझे अपने बच्चे की जबान से सुनने का शौक पैदा क्यों नहीं करती। आज शौहर तो घर से बाहर निकल गया और औरत मुसलसल टेलीविजन पर बैठी है, गानों पर बैठी हुई है, मासूम नन्हे से लखते जिगर के जहन में और उसके दिल में क्या भर रही है। वो बाहर निकलता है तो नाच गाने का शौकीन होता है, वो बाहर निकलता है तो नाच उसे पसंद हुआ करता है। माओ अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के कहर से बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई मोहलत हमसे छीन ली जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी फितने में मुब्तला। ये इजलास, ये तकारीर इसीलिए है ताकि हमारा सोया हुआ जमीर जल जाए, ताकि हमारे दिल पर जो जंग है वो खत्म हो जाए। इसलिए इन हजरात ने मुझे दावत दी, मैं आपके बीच आया। आपसे इल्तिजा ये है कि पूरा कुरान अमल करने के लिए है। कुरान हमसे जो बात कहे आज हम तय करें उसकी बात मानेंगे इंशाअल्लाह। कुरान ने जिस तरह जंजीर को हराम करार दिया है, एक मुसलमान उससे नफरत करता है तो जो नफरत जंजीर से है वही मुसलमान नौजवानों को शराब से होनी चाहिए, वही नशे की तमाम चीजों से होना चाहिए। कुरान करीम ने जिना को हराम करार दिया है तो मुसलमान को जिना मायूब होना चाहिए, जिना से नफरत होनी चाहिए और निकाह से पसंद होना चाहिए। आज का नौजवान सादा और सादा निकाह करके बिन जहेज के बिन डिमांड के एक नई तारीख रकम करे और ये बताए कि अब गरीबी का जमाना है, गुर्बत का जमाना है, मैं जहेज नहीं लूंगा। सोचा करो कभी कभी, मालदारों आप तो नहीं सोचोगे लेकिन कभी कभी गरीबों को सोचा करो। वो बच्ची जो किसी गरीब के घर पैदा हुई और देखते ही देखते 12-14 साल की हो गई, बाप अभी अपना एक मकान नहीं बना पाया, अपने मकान की छत नहीं डाल पाए,
पाया, अपने घर पे दरवाजे नहीं लगा पाया, अपने दरवाजे पर टाट डाले हुए हैं, बेटी 15-16 साल की हो गई, रिश्ता कहाँ से आए, कौन रिश्ता भेजे, ये बेटी खुल रही है, कभी सोचती है बाप रात के अंधेरों में खुदकुशी कर लूं, तेरे कांधों का बोझ हल्का हो जाएगा, ए भाई तुझे भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। कितनी बार शैतान उसको उकसाता है कि मेरा बाप मुझे कैसे घर से रुखसत करेगा, मंगनी कब तलाश करे, इस साल शायद हालात खुल जाए, उस साल शायद हालात खुल जाए, साल पे साल गुजर जाते हैं, जवानियां ढलने लगती हैं, नतीजा ये होता है कि शैतान उकसाता है और किसी के घर की आबरू और घर की चौखट की आबरू किसी दूसरे के साथ निकल भागती है कि बाप तो रिश्ता नहीं कर पाएगा, चलो खुद ही निकाह कर ले। क्या मेरे दोस्तों अजीजों, इसका जिम्मेदार हम हैं, इसलिए वो नौजवान जिन्हें अल्लाह तबारक वताला ने कुछ दिया है वो ये तय करें कि हम बिन जहेज के बिन डिमांड के निकाह करें, निकाह को आसान करें ताकि जिना जमीन पे कम हो, नशे की हर चीज से हम परहेज करें, छोड़ दें। और खास तौर से अब कर रहा हूं, ये जो अमेरिका के बने हुए प्रोडक्ट हैं, थम्सअप, कोका कोला, पेप्सी इसराइल की है, मिरिंडा, सारे ठंडे अमेरिका इसराइल बनाता है, ये डेनमार्क बनाता है, और इस वक्त ये सारे के सारे मुल्क आपके सामने पता है कि 55 मुल्क इकट्ठे होकर ईरान को शाम के उन मजलूम मुसलमानों को जिन्होंने 1990 के बाद अब आकर के इंसाफ की जरूरी रोशनी देखी थी, एक इंसाफ की किरण जिन्होंने देखी थी, और उन्हें लगा था कि शायद अब यहाँ इस्लाम आ गया है तो हमारी आबरू में बच जाएंगी, जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे टूटते हुए देखे और अपनी बहनों को चीरते हुए देखा और अपनी माओ को तड़पते हुए देखा और उनके जिस्मों को नंगे बदन होते हुए देखा, जिन्होंने जेल से आए हुए खतों को देखा, जिन्होंने कैदी बहनों की आंसुओं को देखा, उन्हें लगा था कि शायद अब थोड़ा सा हमें सुकून मिलेगा, लेकिन ये सारे ममालिक इकट्ठे होकर तमाम सरहदों से घेर कर उन पर बमबारी कर रहे हैं, न स्कूल बच रहे हैं, न हॉस्पिटल बचे हुए हैं, न मस्जिदें बच रही हैं। ऐ मुसलमानों, ये तो हमें मालूम है कि हम सरहदों में कैद हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारी जबानों पर पहरे हैं, हमारे आंसुओं पर पहरे हैं, हमारे हाथ और कलम पर पहरे हैं, हमारे पैरों पर पहरे हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि इस अमेरिकन बनाए हुए ठंडे को छोड़कर कम से कम उन्हें हमारी फायदा न पहुंचाए, करेंगे ऐसा। इसकी और बहुत सारी चीजें वो इस्तेमाल कर ली, लस्सी है, शरबत है, जूस है, और अगर नहीं भी है तो क्या जरूरी है कि इस तरीके को आप पिए जिसमें अल्कोहल अलग मिला हुआ है और पेप्सी में जंजीर की हड्डियों का चूरा अलग मिला हुआ है। हम यूं ही बर्बाद नहीं हो गए, हमें तबाह करने से पहले उन्होंने हजारों साल से हमारी रूहानियत को तबाह किया है, हमारे ईमान को तबाह किया है, ताकि हम बेहिस हो जाएं, हमारी हराम खत्म हो जाए, छोड़ दो इन मशकूक चीजों को, जब आपकी रूह बेदार हो जाएगी तो फिर आपकी आंख से आंसू भी छलकेंगे, आपको कुरान पढ़ने में लज्जत मिलेगी, आप सुबह फजर के वक्त बेदार हो जाएंगे, आपको फिर कुरान पढ़ना अच्छा लगेगा, आपको मुसलमान अच्छे लगेंगे, आपको फिर अहले ईमान अच्छे लगेंगे। इन चीजों से अपने आप को परहेज करिए, जो बाजारी चीजें हैं इनमें न जाने ये लोग क्या कर मिलाकर हमारी गैरत और हमारी हमीयत को खत्म कर रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी हम कश्मकश के माहौल में हैं, हम सबको मिलना होगा, सबको दुआएं करनी होंगी, अपने गुनाहों पर रोना होगा और नदामत के आंसू बहाने होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज की मस्जिद को कबूल फरमाए और आइंदा हम सबको इसी तरह की बज़्म क़ायम करने की तौफीक महमूद फरमाए। वाआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ہماری اس آج کی نشست کو قبول فرما. اے مولا یہ چند نوجوان جن کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ آج امت کے سامنے امت کا ٹکڑا رو دیا جائے, امت کے غموں کا تذکرہ کیا جائے, امت کی